स्वागत है आपका शब्दों की खेती में। आज प्रस्तुत है फिल्म तंत्र की क्यारी का नूतन सुमन कीर्तिमान। डेनी डेंगजोंगपा जो फिल्म जरूरत में दौड़ते दौड़ते दर्शकों को भा गए थे, गंगा मेरी माँ में लंगड़े की भी अच्छी भूमिका निभा गए। श्रीराम लागू ने दो दुश्मन तथा ओम शिवपुरी ने किनारा में लंगड़े पात्रों की भूमिकाओं को भली भांति निभाया। लंगड़े पात्रों की भूमिकाओं में फिल्म बूट पॉलिश में डेविड के अभिनय को भुलाना भी आसान नहीं। हिंदी फिल्मों के खलनायकों के सरताज प्राण फिल्म उपकार में लंगड़े मलंग की भूमिका इस प्रकार निभा गए कि उनकी परंपरागत छवि में उनकी अभिनय क्षमता के नूतन आयाम परिलक्षित हुए। पैरों से लाचार पात्रों में शान के अब्दुल की तो बात ही निराली लगी, जो छोटे छोटे चार पहियों वाले चौकोर तख्ते पर बैठकर हाथों के सहारे दौड़ता हुआ सारे शहर में गाता फिरता है कि आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। महबूब खान की बहुचर्चित फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार के अपंग हो जाने के बाद का मानसिक तनाव उनकी मुख मुद्राओं एवं चेष्टाओं में प्रतिबिंबित होता है। इसी फिल्म से उभरे अभिनेता सुनील दत्त फिल्म खानदान में एक लूले व्यक्ति की भूमिका अत्यंत स्वाभाविक रूप से जी चुके हैं। फिल्म कर्मा में नसीरुद्दीन शाह का भी एक हाथ कुछ गड़बड़ था। दिल से ही नहीं दिमाग से भी काफी रईस गुरुदत्त फिल्म बहुरानी में एक विक्षिप्त पात्र की भूमिका अदा करके अपनी तरह की अनोखी मिसाल कायम कर चुके हैं। अमोल पालेकर ने फिल्म सुलेवा सावन में अपंग पात्र का सहज अभिनय किया। फिल्म आदमी में दिलीप कुमार तथा अगर तुम न होते में राज बब्बर के विकलांग अभिनय में दैहिक व्यथा के साथ साथ मानसिक तनाव भी समन्वित है। शेष फिर कमेंट करके सुझाव अवश्य दीजिए। आभार।